फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स के का आपके लिए आज क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखते हैं आज क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। यहाँ पे परशुराम जी और दो कार्ड्स एक साथ आए हैं। वाओ, देखिए परशुराम जी और बृहस्पति जी। तो सबसे पहले परशुराम जी का कार्ड लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और देखिए सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे परशुराम जी का आया है। तो यहाँ पे आपकी स्किल्स डेवलप की जा रही है, साथ ही यहाँ पे आपके अंदर की जो डर की एनर्जी है ना, उसे निकाला जा रहा है पूरी तरीके से और आपको वॉरियर की एनर्जी में लेकर आया जा रहा है। आपके जीवन में आपके माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो हो रहा था ना, यहाँ पे उसे ख़त्म किया जा रहा है। उस माइंड के जो विचार है ना, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं या कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं बट उसके लिए आप डर रहे हैं करने से, तो यहाँ पे आपको वो एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है। और जब मैंने ऐसा कहा है तो मैंने 111 देखा है व्यूअर्स, ओके। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स इस कार्ड के थ्रू ये बात कहना चाहते हैं कि आपको डरना नहीं है, आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे निडर होकर आप एक बार शुरू तो कीजिए, एक बार कुछ स्टेप तो लीजिए उसके लिए, है ना। और आप जब आप स्टेप लेंगे, पॉजिटिव वे में स्टेप लेंगे, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। बहुत जल्दी यहाँ पे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, ओके। बिना एफर्ट्स के यहाँ पे आपको सभी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, एफर्ट्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ओके। और जब आप एफर्ट्स डालते हैं तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। यहाँ पे मैसेज लिखा है अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल। तो यहाँ पे जब आप अपने एफर्ट्स डालते हैं ना, उसमें आप जो काम करना चाहते हैं, जो नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, जिस भी पर्पज़ से आप इस रीडिंग में आए हैं व्यूअर्स, है ना, ये वीडियो आप तक आया है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस वीडियो तक लेकर आए हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा, खुद पर मेहनत करनी होगी। आप जो काम करना चाहते हैं उसे पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ कीजिए और पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि ईश्वर आपके साथ है, आपको डाउट नहीं करना है, ओके। साथ ही यहाँ पे अगर कुछ टीचर्स हैं जो एजुकेशन लाइन में हैं, किसी भी तरीके से एजुकेशन से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे आपकी वो स्किल्स बहुत पॉलिश होने वाली है, टीचिंग एबिलिटी जो है। टीचिंग ही किसी भी तरीके से हो सकता है, आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या वीडियोज़ के थ्रू ही आप किसी को गाइड कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी वो स्किल्स जो है वो पॉलिश हो रही है। आप आने वाले समय में और अच्छे से आप उसे कर पाएंगे और कुछ और नई स्किल्स भी यहाँ पे आपकी बहुत जल्दी डेवलप होने वाली हैं, ओके। साथ ही यहाँ पे आपको अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखने के लिए कहा जा रहा है और पीसफुल स्टेट में रहने के लिए कहा जा रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं, करेंगे ही, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप मेहनत से अगर डर रहे हैं या फिर आपको स्टेप लेने से ही डर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे आपके गुरुदेव का आशीर्वाद है। जब बृहस्पति जी आए हैं, गुरुओं के गुरु आए हैं यहाँ पे, ओके, देवताओं के गुरु आए हैं, तो यहाँ पे आपको आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मिल रही है। इस कार्ड के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके गुरुदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आपके 3D में गुरुदेव हैं तो उनसे आप बातें कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए। अगर नहीं है या फिर आपने गुरु नहीं बनाए हैं, तो आप अपने ईष्ट को ही गुरु मानकर उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए डेली, क्योंकि वो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके जीवन में जो ब्लेसिंग की आपको ज़रूरत है ना, यहाँ पे वो ब्लेसिंग यहाँ पे आपको आपको गुरुदेव दे रहे हैं, ओके। आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पे ज़रूर मिल रही हैं। साथ ही यहाँ पे जो व्यूअर्स यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, डिवाइन जर्नी में है, या शिव शक्ति की जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो यहाँ पे आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड आई एक्टिवेशन चल रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है आपको क्राउन चक्रा थर्ड आई पर थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा हो, ओके। यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा ड्राउजी जैसा फील हो रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रही हो। किसी भी तरीके से अगर इस तरीके के सिम्टम्स या कुछ और सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, तो ये आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, ओके। थर्ड आई क्लिनजिंग भी हो रहा है और थर्ड आई एक्टिवेट भी हो रहा है यहाँ पे।
और यहाँ पे आपको कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जीज रिसीव हो रही हैं, डिवाइन की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कुछ कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आप ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान के दौरान कुछ ऐसी पॉजिटिव यूनिवर्स की एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज रिसीव हो रही हैं या बहुत जल्दी आपको रिसीव होंगी, जिससे आपका है ना विजडम बढ़ेगा, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स पावर्स नहीं, आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो है ना ग्रोथ होगी, उससे आपका विजडम इतना बढ़ेगा कि आप दूसरों को नॉलेज शेयर कर पाएंगे और बहुत ही पॉजिटिव वे में आप उन्हें हील कर पाएंगे। ओके, कुछ ऐसी आपकी स्किल्स यहाँ पे डेवलप की जा रही है आपके गुरुदेव के आशीर्वाद से। और साथ ही देखिए यहाँ पे आपके गुरुदेव आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका जो आप जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हैं ना वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। साथ ही यहाँ पे आप डेफिनेटली देखिए यहाँ पे मैसेज भी लिखा है, कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर। तो यहाँ पे आप जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, तो यहाँ पे आप डिवाइन सोल्स हैं, डिवाइन जर्नी में, और कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं या होंगे, स्पिरिचुअल हीलर्स होंगे, रीकी मास्टर होंगे, प्राणिक हीलर्स होंगे, या किसी भी तरीके से आप हीलिंग प्रोवाइड करते हैं या करेंगे। ओके, ये आपकी सोल पर्पस मुझे फील हो रहा है, आपका सोल पर्पस लोगों को हील करना होगा, मास कम्युनिटी को हील करना होगा, अपने आसपास के लोगों को हील करना होगा, और ये हीलिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ नॉलेज शेयर जो करते हैं वीडियोस के थ्रू, जो नॉलेज शेयर करते हैं, टैरो रीडर्स होते हैं, किसी भी तरीके से आप स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करेंगे। ओके, और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप यहाँ पे कुछ नॉलेज शेयरिंग का काम करेंगे, है ना। मेन जो इन शॉर्ट ये है कि आप नॉलेज शेयर करेंगे, लोगों को हील करेंगे। ओके, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं और आप उस पाथ पर हैं और यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स इस पाथ के लिए आपको रेडी कर रहे हैं, और इसीलिए आपको ये परशुराम जी के कार्ड के थ्रू यहाँ पे कहा गया था कि आपको डर की एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि आपको यहाँ पे लीड करना है, आप एक लीडर बनने आए हैं, और लीडर कभी भी अगर फियर से डील करेगा तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा और दूसरों को कैसे हील करेगा, है ना। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है और खुद पर मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ पे आपके साथ है। ओके, आपके गुरुदेव आपके साथ हैं, आप अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ कीजिए, डेली कीजिए। ओके, और रेगुलरली कीजिए, ऐसा नहीं कि 2 दिन किया, 4 दिन किया और फिर छोड़ दिया, ऐसा करेंगे तो वो उस चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत जल्दी कुछ ना कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और देखिए यहाँ पे स्कंद गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय जी का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपकी स्किल्स डेवलप की जा रही है, आपकी डेफिनेटली ये पूरी रीडिंग इस वे में ही जा रही है कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कुछ बड़े पर्पस के लिए, आप यूनिवर्स के कुछ बड़े पर्पस के लिए आपको तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, कुछ आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप की जा रही हैं, आप आने वाले समय में कुछ ऐसा करेंगे जो मास कम्युनिटी को आप लीड करेंगे, हील करेंगे, गाइड करेंगे। ओके, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है और ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो यहाँ पे आपको आपका सोल पर्पस से कनेक्ट हो सकते हैं आप बहुत जल्दी। यहाँ पे हो सकता है आप टैरो रीडिंग सीख रहे हो या सीखने का आपका मन हो, तो ये डेफिनेटली आपकी सोल कॉलिंग है जो यहाँ पे आपको आपके सोल पर्पस से कनेक्ट करवाना चाहती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीखिए, अगर आपकी सोल ये कह रही है कि कुछ आपको सीखना चाहिए तो वो आप बिल्कुल सीखिए। ओके, क्योंकि आपकी सोल कॉलिंग है, ये आपके स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके यूनिवर्स डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे गणेशा है, गणेश जी है यहाँ पे, तो आपकी नई शुरुआत आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये साथ में कार्तिकेय और गणेश जी की दोनों की ब्लेसिंग्स है, और जब गणेश जी आए हैं तो आपके जीवन में, आपके इस पाथ में, आपके इस मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। ओके, और साथ में यहाँ देखिए यहाँ पे मैसेज भी यही है, मैंने मैसेज नहीं देखा था, लीडरशिप क्वालिटीज़ इन टाइम ऑफ पीस। तो यहाँ पे आपके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी, ऐसी स्किल डेवलप की जा रही है कि आप जो काम करना चाहते हैं ना, वो आप काम निडर होके आगे बढ़ के कर सके। ओके, बिना किसी डर के जो भी आप नई शुरुआत करना चाहते हैं वो बिना किसी डर के,
किसी की भी डर, कोई किसी भी तरह का डर जो आपके मन में हो सकता है, सोसाइटी का डर हो कि लोग क्या सोचेंगे अगर आप ये काम करते हैं, या किसी भी तरीके का जो डर है आपके अंदर, वो डर यहाँ से निकाला जा रहा है। और आपको साथ में ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। आप रेंडमली अगर कोई आपको थॉट आ रहा है कि अब ये कर लिया, अब वो कर लिया, पहले आपने सोचा पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद आपको थॉट आया नहीं ये करते हैं, तो इस तरीके से आपको रेंडमली नहीं करना है। कोई भी काम करें प्लान करके करें, ओके। प्लान करके किए गए काम हमेशा सक्सेस होते ही हैं, ओके। 90% सक्सेसफुल आपको मिलती ही है अगर आप काम प्लान करके करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको प्लान करके कहा जा रहा है, और साथ में यहाँ पे चालाक लोगों से, मैनिपुलेटिव लोगों से आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, ओके। आपके जीवन में ऐसे लोग आ सकते हैं जो यहाँ पे आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओके व्यूअर्स। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं। नेक्स्ट 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 एक कार्ड और, क्या मैसेज है और आपके लिए। वाओ, गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ लक्ष्मी माँ का कार्ड, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ओके। आपकी नेम फेम तो बढ़ी रहा है साथ में, और देखिए मैंने 11-11 देखा है, आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आप जिस भी पर्पज से इस रीडिंग में आए हैं, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंट होगा, एक ग्रोथ होगी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। साथ ही यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो स्ट्रक थी, अगर मनी ब्लॉकेज था आपका, अबंडेंस रिलेटेड जो भी इशू था, फाइनेंशियल कुछ आपके इश्यूज चल रहे थे, तो वो यहाँ पे बहुत जल्दी ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे। आपके करियर में आपका एक्नॉलेजमेंट होगा, आपके एफर्ट्स का एक्नॉलेजमेंट होगा, आपको ग्रोथ मिल रही है यहाँ पे। अगर आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट कुछ इस तरीके से बहुत लंबे समय से स्टक था, तो वो भी यहाँ पे आने वाले समय में बहुत जल्दी, विद इन 3-4 मंथ्स यहाँ पे आपको ये गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है आपके करियर के लिए। और साथ ही यहाँ पे गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ। तो यहाँ पे अगर आप अपने मैरिज से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू थे, वो रिजॉल्व हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप मैरिज करना चाहते थे और एक सही पर्सन की तलाश में थे, तो यहाँ पे आपके जीवन में आपके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन, यूनिवर्स, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, तो एक ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, जो जिनके साथ आप एक हारमोनी आपकी लाइफ में रहेगी, एक पीसफुल आप हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करेंगे। ऐसे काउंटर पार्ट, ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन लेकर आ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पे। आने ये साल जो है वो यूनियन का रहने ही वाला है, ओके। आने वाले 6 मंथ्स जो हैं वो यूनियन, सभी के यूनियन मोस्टली होंगे ही होंगे यहाँ पे, ओके। आप जर्नी के जिस भी फेज में हैं, यूनाइट आप ज़रूर होंगे, और अपने ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, ओके व्यूअर्स। यहाँ पे ब्लेसिंग्स ज़रूर है यूनियन की, आपकी यूनियन ज़रूर होगी, लेकिन आपके गुरुदेव का आशीर्वाद है यहाँ पे, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है साथ में। यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना है, ओके। अपने ऊपर काम करने से आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, अपने इश्यूज़ को हील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूनियन का ही वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन का ही वेट कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके, क्योंकि ये आपके यूनियन को डिले कर रहा है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। व्यूअर्स इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके जीवन में खुशियां तो आ ही रही हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ ना कर दें कि ये डिले हो जाए यूनियन आपका, ओके। तो अपने आप पर फोकस रखिए, अपना मेन जो गोल है वो सिर्फ ये रखिए, डिवाइन से यूनाइट होना है, क्योंकि ये जर्नी यही है। जब जिस दिन आप अपने यूनियन से, अपने पर्सन से फोकस हटा के डिवाइन पर लगा देते हैं ना, तो आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपके जीवन में 100% आने ही आने हैं, ओके। और जो आपका है वो तो सिर्फ आपका ही रहेगा, अगर वो आपके डेस्टिनी में है, डिवाइन ने आपके लिए ही बनाए हैं, तो वो कहीं नहीं जाने वाला है, ओके। तो उससे बेटर होगा आप उस पर फोकस करने के बजाय आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करें, अपनी अबंडेंस पर फोकस करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करें। आप में कितने चेंजेस आ रहे हैं आप ये तो देखिए, आप में कुछ चेंजेस आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है ना। आप इतना टाइम सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस करके लगा रहे हैं तो ये सही नहीं है। आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए टाइम को, ओके।
तो व्यूअर्स, ये थी आज आपके लिए गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड्स की, आपके गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ। तो यहाँ पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तो व्यूअर्स, आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही ब्लेसिंग्स के साथ है और साथ ही गाइडेंस के साथ है। ओके, गाइडेंस फॉलो कीजिए, रीडिंग आप सुनते हैं तो गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, गाइडेंस के लिए ही आपको स्पिरिट गाइड्स ये वीडियोस लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आप अपने जीवन में ग्रो कर सके, सही डायरेक्शन में चल सके आप। ओके, तो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, नाम जप कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।